हेलो हाय एवरीवन, मायसेल्फ नीरज भारद्वाज एंड वंस अगेन आई एम हेयर टू कंटिन्यू द सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने शुरुआत की है वर्ल्ड मैपिंग की, सो दैट कि आपको इससे फ़ायदा मिल सके आपके एग्ज़ाम में। एज़ यू हैव सीन, जो यस्टरडे आपका पेपर हुआ है यूपी पीसीएस का, उसमें वर्ल्ड मैपिंग से काफ़ी कुछ क्वेश्चन थे और ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यूपीएससी में भी क्वेश्चंस होंगे और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। तो हमारा ये इनिशिएटिव आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने जा रहा है एंड दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई वेलकम यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव ऑफ परफेक्शन आईएएस करोल बाग दिल्ली। तो प्रीवियस हमारा जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने देखा है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। आज हम इसको नए कॉन्टिनेंट में हम मूव करेंगे एंड इट्स नेम इज ऑस्ट्रेलिया। एक छोटा सा कॉन्टिनेंट पार्ट जिसमें कि आप काफी कुछ कंफर्टेबल फील करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड एंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर, ऑलराइट, एंड एज यू नो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू इट। This is 23.5 degree south, और ये ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आता है। तो जो मैंने आपको मैपिंग की टेक्निक बताई थी कि कैसे हम वर्ल्ड मैपिंग को अप्रोच करते हैं, द सेम टेक्निक वी विल अप्लाई हेयर ऑल्सो, दैट वी विल स्टार्ट विद द पेरिफेरी ऑफ द कॉन्टिनेंट सो दैट द नियर बाई वाटर बॉडीज आर क्लियरली कवर्ड। तो हेयर वी फाइंड दैट देयर इज ए स्ट्रेट and its name is Torres Strait. Torres Strait. अब स्ट्रेट क्या होता है, तो ये आप देखेंगे कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि स्ट्रेट के बारे में आप कमेंट में बताइए। तो जो भी स्ट्रेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसमें कई बच्चों ने हमारे लिखा है नॉर्थ अमेरिका वाले मैपिंग वाले पार्ट में कि स्ट्रेट क्या होता है। आप में से जो लोग यहां लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए कि व्हाट इज स्ट्रेट। और ये जो व्हाट यहां पे ये दिस वन इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इज दिस एंड दिस इज टॉरस स्ट्रेट। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज गल्फ। अब गल्फ के बारे में जरा बताइए, जैसे आपने सुना है गल्फ ऑफ खंभात, फाइन, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अकाबा, इस तरीके के स्वेज गल्फ, ये सारे के सारे गल्फ में हम गल्फ होता क्या है, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अच्छा, अगर पॉसिबल हो तो आप ये भी लिखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गल्फ एंड द बे, ऑलराइट, कोशिश करिए। नाउ वी आर मूविंग दिस वे एंटी क्लॉक वाइज एज यूजुअली आई मूव, fine. So here you will get a sea, you will get a sea over here, yahan pe aapko milega sea, then here there is a sea and here there is a sea. And remember that this has been a favorite question of UPSC. They have asked this question in UPSC as well as in UPPCS. Fine, I will tell you, and here you will get a bite. Here, there is a bite. Now, what is bite? Spelling is B-I-G-H-T. What is bite? So, you know, if you are comfortable with the gulf, so gulf is a narrow water body that you know. Gulf is a narrow water body which is surrounded by the landmass from three sides. Now, it is landmass. All right, and here it is the water body. So if we say that it is a gulf, so now the wider form of this is called bay. It is bay and this one is landmass. And when we say that it is completely wide open, so this wide open part is called bight. All right, so here it is great Australian bite. Now here it is ara
फोरासी, हेयर इट इज बांदा सी, एंड हेयर इट इज तिमोर सी। क्या सवाल आया यूपीएससी में कि इन्होंने सीरीज दे रखा है और पूछा है 1, 2, 3 कि कौन सा सी है। तो 1 इज आराफोरा सी, देन इट इज बांदा सी, इट इज तिमोर सी, एंड हेयर इट इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एंड हेयर इट इज वंस अगेन गल्फ ऑफ स्पेंसर। तो जैसे यहां गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया था, तो सिमिलरली हेयर इट इज गल्फ ऑफ स्पेंसर। एंड देन हेयर वी फाइंड अनदर स्ट्रेट, एंड दिस स्ट्रेट इज बास स्ट्रेट। हेयर यू कैन सी इट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज दिस पार्ट इज देयर, एंड दैट इज कॉल्ड तस्मानिया, है ना, दिस इज कॉल्ड तस्मानिया। तो बिटवीन तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया इट इज द बास स्ट्रेट, ऑल राइट। एंड हेयर वंस अगेन वी फाइंड आउट इंपॉर्टेंट सी इज देयर, एंड यू माइट बी नोइंग अबाउट द दिस सी बिकॉज इट इज वेरी फेमस, एंड इट्स नेम इज कोरल सी। Its name is Coral Sea. And here, world famous. You will find a world famous reef is also there. Coral reef is there. What is coral reef? That we will be discussing later on. So, यहाँ पर एक बहुत ही famous reef भी है, and its name is Great Barrier Reef. Great Barrier Reef. Fine, you can zoom to see if the size of the writing is small. तो font size थोड़ा छोटा है तो आप इसको कर सकते हैं large. तो ये है water body पूरे के पूरे Australia की. Now we will enter into the inner part of Australia, and here you will find a range, very famous range it is. बहुत ही famous range है ये, और इस रेंज के नीचे आपको दूसरी रेंज मिलेगी, एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट हेयर, और इसी में हमको इंपॉर्टेंट पीक मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। ऑलराइट, तो हेयर दिस रेंज ऑफ नेम ऑफ दिस रेंज इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। Second one is there, and its name is Snowy Mountains, and here you will get a peak, and its name is Mount Kosciuszko, and that is the highest peak of Australia. ऑस्ट्रेलिया, ऑल राइट। तो ये आगे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन्स। अब बाकी और भी हैं लाइक फ्लिंडर्स रेंज वगैरह, लेकिन फ्लिंडर्स रेंज, डार्लिंग रेंज, लेकिन वो जीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी कैन लीव। नाउ कम टू दिस पार्ट, है ना, कम टू दिस पार्ट। तो हेयर टू इंपॉर्टेंट रेंजेस वी कैन डू हेयर, वन इज हेयर एंड अदर वन इज हेयर, and its name is MacDonald Range, and this one is MacDonald Range and Musgrave Range. All right, and then we enter into the other important features. These include all those mountains of Australia from here to here that we have seen, and now we are entering into the desert part. One desert is here, other one is here, then here, then here, then here, and then here. All right, 6 major deserts are, and we have to cover them
One is there and its name is Great Victoria Desert. Victoria Desert. Other one is Gibson Desert. And other one is Great Sandy Desert. Great Sandy. Here it is Tanami Desert. Tanami Desert. Here it is Simpson Desert. And here is Stewart Stony Desert. Finish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Great Victoria, Gibson Desert, Great Sandy, Tanami Desert, Simpson Desert, and Stewart Stony Desert. Now, other important feature is Plain Region of Australia, and this is called Great Australian Plain. Great Australian Plain. And here there is a very famous part is there, and that is the Downs Plain. Downs Plain. This is Great Australian Plain, and that is Downs Plain of Australia. The same Downs जो आपने पढ़ा होगा कि temperate grasslands के जो region होते हैं, that one. अब देखिए, अब आखिरी में फाइनली वी हैव टू कवर द इंपॉर्टेंट रिवर्स. वन रिवर इज कमिंग फ्रॉम हेयर एंड द अदर रिवर इज ज्वाइनिंग इट. द मेन रिवर इज देयर, इट्स नेम इज मरे रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज डार्लिंग रिवर. ऑलराइट, so this is mapping of Australia. Political part of the mapping we can also cover here only, and that you find the important cities. And ये बहुत ही आसान है, and obviously आप इसको कर सकते हैं. Here it is the number one, Brisbane. Here it is Sydney, and here it is Canberra. Here it is Melbourne. Here it is Adelaide. Here it is Perth. Here it is Darwin. And here it is Hobart. Alright, मैं सबके first letters लिखता हूँ और आप फिर से मुझे बताइएगा कि these first letters belong to which city. Number one is B. Number one is B S C M A P H D. B S C M A P H D. अब आप इन सिटीज को सर्च करिए अपने मैप पे और करंट कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि दिस बी एस सी एम ए पी एच डी डिनोट्स विच सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो डिटेल्ड मैपिंग हम कर रहे हैं, फाइन, जो कि ऑब्वियस सी बात है थोड़ी क्रिस्प भी है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या जब कभी भी आप इसको देना चाहेंगे तो. फाइन, तो हमारे इस इनिशिएटिव को आई होप दैट यू विल अप्रिशिएट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, एंड वी विल कम बैक विथ अदर वीडियो इन दिस सीरीज वेरी सून. थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम परफेक्शन आईएएस करोलबाग दिल्ली.